तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल बाय बाय पर। और अब मैसेज कमेंट बहुत देखा मैंने कि सब पूछ रहे हैं कि भाई अगले जो टेस्ट होने वाला 20 को उसका सिलेबस बता दो। लेकिन पहले क्या हुआ था, हम लोगों ने देखा है कि 3.0 के सिलेबस के हिसाब से इस बार ज़्यादा दे दिया, तो उसी हिसाब से मैंने इस बार जो है सिलेबस रखा है। तो आपको साइड में दिख रहा होगा कि 20 अक्टूबर टेस्ट सिलेबस, ठीक। 20 अक्टूबर को जो टेस्ट सिलेबस, उसका मैं टेस्ट सिलेबस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर जो मैं फिज़िक्स की बात करूँ, ठीक, फिज़िक्स की अगर जो बात करूँ, तो 20 को जो वहाँ पर जो 20 अक्टूबर को दिखा रहा है, ठीक, 20 अक्टूबर को ये दिखा रहा है, समझे, दिस इज़ द 20 अक्टूबर को ये दिखा रहा है, ठीक। ये 20 अक्टूबर को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, 20 अक्टूबर को कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास क्या लेगा, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, कहाँ तक, न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज फॉर रोटेशन, यानी कि यहाँ तक बता रहा है कि भाई जो 20 तारीख को होने वाला है अपना टेस्ट फिजिक्स में इतना आएगा, ठीक। लेकिन हो सकता भाई आगे का पूछ ले, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास तो कंप्लीट करेंगे, साथ में कंप्लीट क्या मतलब ये भी पढ़ेंगे, फिर बाद में रोटेशनल मोशन भी नीचे पढ़ लेंगे और ग्रेविटेशन भी पढ़ लेंगे। मैकेनिकल मत पढ़ना क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा चैप्टर, बाकी मैकेनिकल पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसे ही पढ़ लेना, लेकिन भाई ये तीन तो पढ़ ही लेना कम से कम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बाकी हो सकता भाई इस बार दो ही चैप्टर पूछ लें, क्योंकि रोटेशन मोशन एंड सेंटर ऑफ मास काफ़ी देखा जाए तो एक एक तरीके से काफ़ी लंबे चैप्टर्स हैं। और क्योंकि इनमें दो कापी अच्छे से, अगर जो अच्छे से नोट्स आपने भी बनाए होंगे तो आपके कम से कम दो कापी तो भर ही जाएंगी, दो नहीं तो मतलब 1.5 कापी तो भर ही जाएगी, ठीक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना देखते हैं क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर जो हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर जो हम बात करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको सिलेबस दिख रहा होगा जो 20 को दिखा रहा है, ठीक, 20 को ये दिखा रहा है, 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को ये दिखा रहा है कि भाई एटम्स लेगा, एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, और फिर कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल, यहाँ तक दिखा रहा है। और वो भी इसमें यहाँ तक कह रहा है डी ब्लॉक, डिवीज़न ऑफ एलिमेंट इनटू SPDF ब्लॉक, यानी कि यहाँ पर डिवीज़न तक ही पूछने की बात कर रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा कंप्लीट करेंगे, साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल की जो मतलब की प्रॉपर्टी, उसको भी कंप्लीट करेंगे चैप्टर, साथ में केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत इसको भी कर लेने कंप्लीट। लेकिन ये दो चैप्टर तो भाई कंपल्सरी हैं, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। अब नेक्स्ट की बात करते हैं बॉटनी में। अब जो बॉटनी में देखा जाए, तो सबसे पहले बॉटनी में एक ही चैप्टर दिखा रहा है, कह रहा है भाई हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लेंगे, ठीक। लेकिन भरोसा मत करो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ आप रेस्पिरेशन इन प्लांट ये भी देख लो, ये 20 को दिखा रहा है, ये अगले वाले टेस्ट में दिखा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ये भी साथ में पढ़ लेना रेफली, लेकिन ये भी चैप्टर देखो, रेस्पायरेशन इन प्लांट थोड़ा जो है मतलब याद करने वाला चैप्टर है, बहुत छोटा। रेस्पायरेशन इन प्लांट में सिर्फ 4 ही स्टेप पढ़ने हैं, ठीक। लेकिन क्योंकि उसमें क्या पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन और ETS, ये 4 ही चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस, ओमो, अगर देखा जाए बताऊँ इसमें 4 ही स्टेप पढ़ने हैं, ठीक, 4 स्टेप पढ़ने हैं केवल, सही से देखा जाए तो। सबसे पहले अपना आता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल, ठीक। क्रैब्स साइकिल के बाद जो हमें पढ़ना होता है उसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, ठीक। और लिंक रिएक्शन के बाद हमें ETS, ये इतना पढ़ना होगा, ठीक। तो मतलब कि देखा जाए एक तरीके से तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इजी है, बहुत मतलब कि लेंदी नहीं है, बस इसमें जो है याद करने का ज़्यादा, भाई एंजाइम्स याद रखने होते हैं तो इसमें याद करना ज़्यादा है, ठीक। बाकी चैप्टर छोटा है रेस्पायरेशन इन प्लांट में, तो आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं भाई 6 दिन पहले देंगे, समझ रहे हो। तो अगर जो आपका ना मतलब कि याद करो तो पहले से उसको कंप्लीट कर लो जैसे चैप्टर, जैसे मेरा भाई अभी जो है कंप्लीट फिजिक्स की, भाई मुझे मेरा तो बैकलॉग है, ठीक, तो वो भी मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो मेरा चल रहा है रोटेशनल मोशन, अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि वो भी बैकलॉग लगा है। बैकलॉग लगा क्या है भाई,
इधर तैयारी करने के चक्कर में जो होता है, पढ़ने के चक्कर में जो है बैकलॉग लग जाता है। ठीक, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड रेस्पायरेशन आप बॉटनी में देख लेंगे। फिर बाद में अगर जो मैं बात करूँ जूलॉजी की, तो जूलॉजी की अगर जो मैं बात करूँ तो जूलॉजी में जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर दिखा रहा है। ठीक, ये कितने किस डेट को दिखा रहा, कह रहा कि भाई जो 20 अक्टूबर आने वाला है उसमें हम जो है चैप्टर ये लेंगे, न्यूरल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट चैप्टर आएगा। ठीक, लेकिन आप साथ में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर भी पढ़ लेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे, इसमें थायरॉयड ग्लैंड तक ही पढ़ लें, काम हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो आपको भी पता है। तो क्या पढ़ना है ये मैंने बता दिया है कि भाई नेक्स्ट सिलेबस में जो है कौन किस तरह से चैप्टर्स आ सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या आप पढ़ सक कितना कितना पढ़ना इस बार है। ठीक, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन ये कंप्लीट कर लो। यहाँ पर फिजिक्स में स्ट्रक्चर एटम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, साथ में आप रेस्पायरेशन को चैप्टर कंप्लीट कर लें। अगर जो उसमें दिखाएगा कि भाई नेक्स्ट लेवल जो होगा दिखाएगा, मतलब कि ये आएगा, तो आप पढ़ भी सकते हैं अगर जो कंप्लीट होगा। ठीक, बाद में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये आप अच्छे से तैयार कर लें, इसको आप रफली पढ़ लें। ठीक, रफली एक बार पढ़ लो, अगर जो आएगा तो आप दोबारा पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो ये था सिलेबस जो 20 को आने वाला है। और अगर जो मैं अपने टेस्ट स्कोर की बात करूँ, टेस्ट स्कोर, तो टेस्ट जो स्कोर है, मतलब कि अभी तो मोबाइल नहीं, वरना मैं साइड में दिखाता भी उसका, तो जो है मेरे 720 में, 720 में 300 नंबर आए। ठीक, 720 में कितने आए हैं, लिखता कहाँ से भाई, टेस्ट टेस्ट स्कोर 720 में मेरे जो हैं वो 300 नंबर आए। ठीक, काफ़ी बेकार नंबर आए, हमें भी पता है। और अगर जो मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स में मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन को गलत किया है कहीं ना कहीं, मतलब कि क्वेश्चन तो आता था लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, इस वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से कम अगर जो मान के चलो फिजिक्स में मेरे 10 क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग हो गए, 10 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे 10 क्वेश्चन मेरे मतलब रॉन्ग हुए, बाकी फिजिक्स में नहीं रॉन्ग हुए हैं, केमिस्ट्री में जो हैं रॉन्ग हुए हैं, केमिस्ट्री में भी रॉन्ग हो गए। ठीक, तो केमिस्ट्री में भी मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए, अब देखा नहीं मैंने कितने रॉन्ग हुए, फिजिक्स फिर से फिजिक्स लिख दिया। तो आपको मैंने अपना स्कोर बता दिया। ठीक, 720 में फिर से मेरे 300 आए, पहले में शायद ज़्यादा थे, शायद 395 शायद थे, तो इस बार 300 ही आए। अब जो 20 को है उसका मैं भी उसका भी मैं बता दूंगा टेस्ट स्कोर कितना है, और जो मोबाइल आ जाएगा तब उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी दिखा दूंगा भाई, 300 नंबर जो है आए हैं 720 में। ठीक, कोई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शायद अभी 2-3 दिन बाद जो है इन चैप्टर्स पर जो है मैं वीडियो भी डालूँ भाई, एक एक वन शॉट में डालूंगा। सेंटर ऑफ मास पर पक्का है भाई, वन शॉट डालूंगा। तो अगर जो मैं डालूंगा तो एम आर सर के नोट्स होंगे, और बात करूं तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो आएगा, आएगा एक ही बार में, लेकिन लेंथी आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास देखा जाए, मैं एक एक क्वेश्चन फिर एम आर सर के कवर कराऊंगा, उसी का मैं रिवीजन करवा सकता हूँ। ठीक, अच्छे से मतलब बता सकता हूँ कुछ तरीके जो आपको ना समझ में आया हो सर से, मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं बेसिक कैलकुलेशन जो होता है वो सर नहीं बताते हैं, अगर जो वो भी नहीं समझ में आएगा आया होगा तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। रोटेशन में मोशन का भी आएगा, सेंटर ऑफ मास का नहीं आएगा, लेकिन रोटेशन मोशन का पक्का आएगा, क्योंकि उसके जो हैं मैंने नोट्स इस बार डिजिटल जो पैड लिया है, टैब लिया, इसी में बनाया है। ठीक, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कोशिश करूँगा मैं देने की, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिर्फ मैं जो है फॉर्मूला बताऊंगा और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसमें यही तरीका बढ़िया है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देखेंगे भाई, अगर जो टाइम बचा तो, बाकी टाइम बहुत लगता है ना, इसको सब कवर करना पड़ता है, तब जा करके जो है एक वीडियो अच्छे से बनती है, क्योंकि वीडियो बनाना कोई खेल नहीं। वीडियो देखो बना तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन एक होता है कि एक सब कुछ इंक्लूड करना, और फिर बाद में एक बेसिक चीज़ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एनसीईआरटी वाइज पढ़ाना, और बाकी जो है एनसीईआरटी, हाँ, और बायोलॉजी के सारे जो है मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा, मतलब मान के चलो वही 1 घंटे के या फिर 1.5 घंटे के आसपास ड्यूरेशन होगी, लेकिन टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।